वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के अंबेडकर चौक के पास से, करण पार्क के पास से, जहां पर आप देख सकते हैं काफी लोग जो यहां पर है कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है पंजाब में कुछ दिनों पहले जो एक हत्याकांड हो जाता है, पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है मानसा गाँव में गोलियां मार के। आप देख सकते हैं काफी जो लोगों के अंदर गुस्सा है इस चीज को लेके, जो एक जस्टिस की मांग आगे रखी जा रही है। आप देख सकते हैं काफी लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, काफी युवा यहाँ पर मौजूद है, पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कैंडल मार्च निकाली जा रही है अंबेडकर चौक के करण पार्क से लेकर घंटाघर चौक तक। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी युवा यहां पर मौजूद है, युवा समाज सेवा संगठन से जो लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी लोग जो है यहां पर मौजूद है, कैंडल मार्च निकालते हुए नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी गुस्सा है लोगों में क्योंकि जो ये हत्याकांड हुआ है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो ये हत्याकांड हुआ है उसकी वजह से। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले पंजाब में जो सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जैसे कि हमने देखा आजकल काफी चर्चा में रहा ये विषय और काफी जो है लोगों की टिप्पणी भी दी गई इस बारे में। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया हालांकि, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा है उसमें जोश है जस्टिस को लेकर, जो इंसाफ को मांगते हुए आप देख सकते हैं किस तरह नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफी लोग यहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, किस लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? क्या पता है कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कानून की सख्त मदद करनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी लोग जो यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं जो युवा है वो डर चुका है इस बात को लेके कहीं ना कहीं कल के उनके साथ भी ये सब हो सकता है। आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, सबके हाथ में कैंडल्स है, लोग मोमबत्ती लेकर करण पार्क से जो है घंटाघर चौक की तरफ जा रहे हैं। एक अपील जो है जस्टिस की वो रखी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो हत्या हुई है, जो गोलियां मार के मानसा गाँव में अपने खुद के गाँव में जो एक पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता की हत्या कर दी जाती है, उसके बारे में जो युवा है कैंडल मार्च निकालते हुए और जस्टिस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश को तोड़ो नहीं, देश को तोड़ो, हम सब भाई हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की वाल्मीकि चौक की, जहां पर पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर तमाम युवाओं के अंदर रोष है और वो सड़कों पर उतरे हैं। और आप देख सकते हैं कैंडल मार्च के जरिए सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी जा रही है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में लगातार पुलिस जो है खुलासे करती हुई नजर आ रही है। और जो हत्या के तार हैं वो राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है या फिर उसकी हत्या के पीछे कोई और साजिश है, हर कोई जानना चाहता है और हर कोई ये चाहता है कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। और पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला के जो माता पिता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है और एक जो जुड़ाव है युवाओं का, आम पब्लिक का, वो सिद्धू मूसेवाला के साथ
छुट गया था और हर कोई चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं उसी तरीके से वो तरक्की करते रहे। लेकिन आज एक वीडियो और सामने आया है जहाँ पर एक फैन उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहा है और उस वीडियो की भी पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। एक युवा हमारे साथ है जो कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला के घर गए थे और वहां पर उनकी खातिरदारी हुई थी। हालांकि ये सिद्धू मूसेवाला को जानते थे लेकिन वो इन्हें नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी इनकी खातिरदारी हुई थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज कैंडल मार्च आप निकाल रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहते हैं? जी, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा को देखते हुए अगर हम ध्यान करेंगे देश की सुरक्षा कितनी खतरे में है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला जैसे पॉपुलर सिंगर की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, तो हम आम जनता को देखें तो उस आम जनता का आज के टाइम में क्या, आम जनता का क्या इंसाफ मिलेगा? अगर सिद्धू मूसेवाला को, इतने पॉपुलर सिंगर को ये हथियारे ऐसे हथियार से मार सकते हैं कि जो रशिया के अंदर ही मिला जाता है, जो अपने वर्ल्ड की किसी भी आर्मी के पास नहीं मिल रहा, सिर्फ एक रशिया के पास है, तो हम आम जनता का क्या न्याय मिलेगा? हम न्याय की गुहार करते हैं, हम न्याय की गुहार करते हैं कि उसके माता पिता को जो इंसाफ मिलना चाहिए और जो एक माँ की कोख सुननी की है उन हथियारों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। ये सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर सभी युवाओं के हाथ में है, हाथ में कैंडल भी है और इसी के जरिए एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने किसी कलाकारों को इस तरीके से मौत के घाट उतारा है तो फिर ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ग्राउंड से जुड़े हुए थे, तरक्की कर रहे थे, अपने गाँव के लिए काम कर रहे थे, अपने शहर के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आकर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और लगातार सामने आ रही है कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ गैंगस्टर्स के नाम, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया है और उसके कुछ गुर्गों का भी नाम सामने आया है, और जो तार है वो हरियाणा से लेकर पंजाब और साथ ही साथ राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक कोई गिरफ्तारी और करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये रोष है, ये गुस्सा है उस आम व्यक्ति का जो कि सिद्धू मूसेवाला का फैन था या जो कोई उनके को जानता था। ये रोष है उस व्यक्ति का कि किस तरीके से जो हथियारे हैं वो लगातार जो है बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों यानी कि 29 तारीख को जो है पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला और कांग्रेस लीडर भी हैं, उनकी जो है हत्या कर दी जाती है, कई बार जो उन पर गोलियां चलाई जाती है, अपनी गाड़ी से जो है वो घर से बाहर कुछ ही दूरी पर निकले थे लेकिन उनकी जो है हत्या कर दी जाती है, उन पर जो है कई गोलियां जो है चलाई जाती है, उसके बाद जो उनकी कुछ ही मिनटों के अंदर जो है मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार जो है अलग अलग जो लोग हैं वो जो है कैंडल मार्च निकालकर जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उनके घर भी जा रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके से आज युवा है करनाल के वो जो है करनाल में निकले हैं और किस तरीके से जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों जो है उनकी जो है गाड़ी के ऊपर जो है कई बारी उनके ऊपर जो है गोलियां चलाई जाती है, उसको उनके कुछ मिनटों बाद जो है उनकी मौत हो जाती है। और अब भी जो है तमाम जो युवा है वो यहाँ पर पहुंचे, एक बारी युवा है उनसे एक बारी बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? आज सड़कों पर निकले, काफी दुखदायी जरूर है कि किस तरीके से हत्या कर दी जाती है उनकी गोली मार। जी, सबसे पहले तो मीडिया साथियों को धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं अजय सिंह राणा, प्रधान युवा समाज सेवा संगठन, ये हमारे भाई अभिषेक मेला है, संगठन के प्रवक्ता है भाई। 3.5 साल पहले सिद्धू मूसेवाला के विलेज गए थे, वहाँ पर जाकर भाई ने किसी पूछा भाई सिद्धू का घर कौन सा है, तो जैसे ही इनको घर का पता चला, एंट्री की इन्होंने, तो उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार किया। तो ये 8:30 बजे का समय था, तो ये कहने लगे भाई हम जा रहे हैं अंकल, लेकिन उन्होंने इनको रोका, बाकायदा इनको रोटी पानी सारा कुछ इनके लिए बनवाया और इन्होंने मतलब खाया। तो सुबह ये वहाँ से निकले तो जब भी उन्होंने ऐसे ही खाना बनाकर मतलब इनका आदर सत्कार करके भेजा, तो बात यह आती है कहीं इसको धर्म जाति से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ रोटी का कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, लेकिन कुछ की अलग अलग थिंकिंग होती है। तो अब बीती 29 तारीख को जैसा कि आप सभी जानते हैं 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी जाती है। हत्या तो देखो पहले भी कहीं हुई है, लेकिन जिन वेपन से इनकी हत्या हुई है N94 जो केवल रशियन आर्मी के पास है, वो हथियार आए कहाँ से, ये सबसे बड़ा तो ये मुद्दा है, पहले हथियार कहाँ से आए। उसके बाद मतलब कि सिद्धू मूसेवाला की अभी सगाई हुई थी फिलहाल ही, अभी अगले महीने उनकी शादी थी और एक इतना फेम 50 करोड़ से ज़्यादा उनके फॉलोवर देश विदेशों में, और
इससे तो ये लगता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है देश में। इतने फेम आदमी को अगर वो मार सकते हैं, अगर हम में से कल को कोई फेमस होने से भी डरेगा कि भाई हमको भी गोली लग जाएगी, ऐसे तो सारे घर बैठ जाएंगे। तो हमारा ये मुद्दा है कि भाई अगर इस तरह का कोई भी स्टार अगर उठता है तो उसको ऐसी सिक्योरिटी दी जाए, बेसिक जड सुरक्षा दी जाए कि कोई भी उसके अगल बगल ना दिखे, और इसमें जिनका भी हाथ है वो जल्दी जल्दी पकड़े जाए। और बिल्कुल जिनका भी इनमें हाथ है उनकी जो है सब जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। हर एक युवा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी की एक ही मांग है कि जो भी इसमें आरोपी है उनकी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, कुछ ही सालों में जो उन्होंने मेहनत कर जो है फेम कमाया, नाम कमाया, कनाडा गए थे वहाँ पर जो है, लेकिन कुछ काम कर जो है वापस अपने गाँव में, उसके बाद जो है गाँव में आकर जो उन्होंने मेहनत की, काम किया, उसके बाद जो है इस तरीके के जो फेम है वो जो है अपने मुकाम तक पहुँच सके। लेकिन देखते कि किस तरीके से कुछ दिन पहले जो 29 तारीख को जो उनकी जो है घर से निकले थे, कुछ ही दूरी पर जो उनकी जो है गोलियां मारकर जो है हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सभी लोगों में जो है रोष है, गुस्सा है कि जो भी उनके हत्यारे हैं उनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि आज जो है एक वीडियो भी सामने आया, सीसीटीवी फुटेज, जो कि एक फैन का है जो कि उनके घर के पास जो है उनका इंतजार करता है, उनके साथ जो है सेल्फी लेता है, चाय पीता है, लेकिन उसके बाद जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो है आगे जानकारी देता है शूटर्स को कि सिद्धू मूसेवाला जो है अपने घर से निकल चुका है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसके बाद जो है कुछ दूरी पर जाकर जो उनकी गोलियां मारकर जो है हत्या कर दी जाती है। उसके बाद तमाम युवा जो करनाल में है अलग अलग जगहों पर है जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, श्रद्धांजलि की दे रहे हैं, और जो भी आरोपी है उनकी जो गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना ही होगा कि कब तक जो है जो आरोपी है उन तक जो है पुलिस पहुंच पाती है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो कैसे आपने देखा, आम जनता के बीच में रहने वाला एक स्टार, एक पंजाबी सिंगर और कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का नेता रहा था ये, जो हमारे साथ आज नहीं रहे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए जस्टिस मांगते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बड़ा एक दिन दहाड़े हादसा हो जाता है, आप देख सकते हैं इस समय काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सिर्फ एक मांग लिए खड़े हैं कि जस्टिस चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से अपने हाथ में पिक्चर्स लेके लोग यहाँ पर फोटोज लेके घूम रहे हैं, और किस तरह से जो एक फीलिंग है जो एक आम इंसान हुआ करते थे जिन्होंने अपने लिए कितना बड़ा स्टेज बनाया और कहीं ना कहीं वो सबके दिलों में बस गए, और आज वो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे जिनके इमोशंस इनके साथ जुड़े हैं, जो इतना बड़ा हादसा हो जाता है दिन दहाड़े, कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो अपनी सेफ्टी के लिए भी जो है बहुत ज्यादा कंसर्न हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आप देख सकते हैं इतना पंजाबी सिंगर, काफी फेमस सिंगर है, इतना डाउन टू अर्थ रहा और कभी भी जो है किसी गलत काम में सामने नहीं आया, तो आप देख सकते हैं कि उसके साथ भी ऐसा हादसा हो जाता है। उन्हीं के लिए जो आज हमारे साथ लोग मौजूद है, हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे सबसे? मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ सरकारों से, और जैसे कि ये तो तिहाड़ जेलों के अंदर रह के भी इनको सिम उपलब्ध हो रही हैं, हथियार उपलब्ध हो रहे हैं, ये अपने गैंग को चला रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, और सरेआम अपने फेसबुक के पोस्ट डाल रहे हैं, इनको कानून व्यवस्था का बिल्कुल भी डर नहीं है। जो लोग इतने निडर हो गए हैं तो ये जनता की कोई भी सेफ्टी नहीं रही। हम ये चाहते हैं कि उसकी माँ को इंसाफ मिले, उसके माता पिता जो उससे उम्मीद कर रहे थे, जैसे एक माँ बाप अपने बेटे से उम्मीद करता है कि वो हमारे लिए कुछ काम करें, सिद्धू मूसेवाला वैसे ही एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे अपने माता पिता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने हलके के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए। हम यही चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और परमात्मा से यही निवेदन करते हैं कि ऐसा बच्चा, ऐसा बालक, ऐसा सिंगर सभी को बख्शे। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी जो लोग हैं इमोशनली कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक माँ ने, एक बाप ने अपना बेटा खोया है, और पूरे एक जो देश ने कितना अच्छा कलाकार खोया है। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? मैम, सिद्धू मूसेवाला मिट्टी से जुड़े इंसान थे, उन्होंने बहुत कम ही समय में अपने जो ग्राउंड लेवल से उठकर बहुत ऊपर अमेरिका कनाडा तक अपना नाम कमाया था, लेकिन ऐसा इंसान था जो मतलब अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अगर वो चाहते वो भी कनाडा, अमेरिका कहीं भी सेटल होकर अपनी ज़िंदगी, अपना व्यवसाय कर सकते थे। उनको बहुत अच्छा मतलब पैसे में किसी चीज़, आर्थिक में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने अपने गाँव में रहना बेहतर समझा, अपने गाँव, अपने देश, अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचा। लेकिन अगर इतने बढ़िया सेलिब्रिटी, इतने बड़े आदमी के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है, ये जेल में बैठे जो गैंगस्टर है अगर इन ऐसे फोनों पे ऐसे कत्ल करवाएंगे, ऐसे शरेआम मतलब किसी को भी धमकी देकर मरवा सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा? मेरी सरकार से बस यही अपील है कि जल्दी से दुबई के कातिलों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके, कड़ी से कड़ा सजा दी जाए, और इतने अच्छे इंसान का इस दुनिया से जाना मतलब कि ऐसे ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, और इस चीज़ के लिए मतलब शब्द नहीं है, अभी शब्दों के साथ इस दुख को बयान नहीं कर सकते हम कि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं, विश्वास नहीं हुआ था इस खबर को सुन के भाई इतनी जल्दी इनको ऐसे मतलब, लेकिन जो भी किया बहुत गलत किया। सरकार से बस यही अपील है कि सिद्धू भाई के कातिलों को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
महज 29 साल उनकी उम्र रही। अपनी संस्कृति से, अपनी कला से वो जुड़े रहे, कहीं अपने देश को छोड़कर बाहर नहीं गए। अपने माता पिता को जो उन्होंने सम्मान किया, काफी लोगों ने ये सब देखा भी, और सिर्फ आज नहीं बहुत पहले से देखते आए हैं कि महज 29 साल की उम्र में इतना नाम कमाया उन्होंने, और आज जो लोग हैं उनकी कला की इतनी कदर करते हैं, और आज भी कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहता हूँ भाई, जैसे कहीं सोचेंगे इसको धर्म जाति से जोड़ेंगे इस मुद्दे को, मैं ये कहता हूँ कि भाई देश को तोड़ो तोड़ो नहीं, देश को जोड़ो। यह भी भारत माता का बेटा था, कोई हिंदू सिख कोई ऐसा मैटर ना बीच में फंसाए, ये हमारा भाई था। कल को इसकी जगह कोई और भी हो सकता था तो पूरे देश को जरूरत है कि सारे हिंदुस्तानी आगे खड़े होकर भाई का साथ दे। कोई भी बस पर्सनली इस तौर पर ऐसा ना जोड़े कि भाई ये मतलब सिख था या कुछ था, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं हम सब, तो हमको भाई का साथ देना चाहिए और कातिलों को सजा दिलवानी चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, जैसे सब जानते हैं कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहे, तो अब हम अपनी मिट्टी से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो सभी लोग हैं वो इस जस्टिस में उनका साथ दें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं दिन दिहाड़े एक हादसा हो जाता है, गोलियां चलती हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के ऊपर जब ऐसा हादसा आता है तो आम जनता में एक खौफ बैठ जाता है। कहीं ना कहीं जब इतने बड़े इंसान के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जो आम जनता है वो भी जो है काफ़ी डर जाती है, काफ़ी बहक जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे मौजूद है, किस तरह से जस्टिस की मांग की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो सिद्धू मूसेवाला सिंगर थे, पंजाबी सिंगर थे और कांग्रेसमैन थे, जो वहां पर अपनी साथ साथ सेवा भी कर रहे थे और साथ साथ कला भी दिखा रहे थे, तो काफी वो अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहे। और जैसे कि हम आजकल देख पा रहे हैं कि जो उनके माता पिता है काफी उदास हैं, कई जगह जा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिल सके, और वहीं यहाँ पर हमारे साथ नौजवान मौजूद है, ये सब भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके।